पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर से, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो अनेक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। और बेरोजगारी का बड़ा इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसने जिसके बारे में आज तक किसी सांसद ने सोचा ही नहीं। आप देख लीजिए कितनी मिलें बंद हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद हैं, शुगर मिल बंद हो गई सारी, और यहाँ का आदमी बेरोजगार है, रोजगार के लिए बाहर ही जाता है। उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, लखनऊ, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ रोजगार लाना। अगर जनता ने आपको जिताया तो क्या करेंगे? मेरे को जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो ये वादा है, जनता शिवपाल जी के हाथों को मजबूत करेगी, तो मैं इस बात का वादा करता हूँ। जनता की जीत है, और शिवपाल जी की जीत नहीं है, सिर्फ जनता की जीत है। शिवपाल जी के मार्गदर्शन में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शिवपाल जी ने मुझे यहाँ आशीर्वाद दे के भेजा है, और जनता ने अगर मुझे यहाँ आशीर्वाद दे के भेजा पार्लियामेंट, तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, जो मैं यहाँ रोजगार पूरा करूँगा, इंडस्ट्री लगाऊंगा। संजीव भाई, रामपुर से कई कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी उसी मुकाबले में, आपका मुकाबला किससे? मेरा मुकाबला, देखिए ये पार्लियामेंट का चुनाव है, तो मैं पूरे देश की बात करूँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरा मुकाबला उस केंद्र में बैठी सरकार से, और अपने रामपुर के लिए जो मैं करूँगा वो करूँगा, लेकिन मुकाबला मेरा केंद्र में बैठी सरकार से, पार्लियामेंट का चुनाव है। मेरा उस सरकार से मुकाबला है जिसने ये कहा कि विकास ही विकास किया हमने। अरे भाई, विकास तो आपने किया, विकास के नाम पे वोट मांगने क्या विकास किया हमने? आपने उन गरीब बच्चों की गुल्लक फोड़ी, उन माताओं बहनों को लाइन में लगवाया, उन बुज़ुर्गों को लाइन में लगवाया, लाठियाँ पड़वाईं। हाँ, आपने विकास किया, इतिहास में एक काम आपने ज़रूर किया कि नोटबंदी की, ये भी विकास, ये भी इतिहास है। आपने नोटबंदी की, ये एक इतिहास है। आपने GST लागू की, ये भी एक इतिहास है। आपने सुप्रीम कोर्ट के माने न्यायाधीश को मीडिया में आके पहली बार कहना पड़ा कि हमारे काम में इंटरफेयर ना करें, ये भी एक इतिहास है। ये इतिहास आपने रचे हैं, ये आपने कार्य किया है, ये मोदी सरकार का ये कार्यकाल रहा है 5 साल का।